आईटीए प्रैक्टिकल चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्कूटी के फीचर्स के बारे में जो स्टूडेंट्स और स्टाफ के द्वारा तैयार की गई है आईटीआई में। ये स्कूटी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका चार्जिंग सॉकेट निकाला गया है। 48 वोल्ट से चलती है ये, 48 वोल्ट हब मोटर इसमें लगाई गई है। ये हब मोटर है और ये थ्रोटल घुमाने से ये एलसीडी पे डिस्प्ले है पूरा। इसको जैसे ही आप घुमाते हैं डिस्प्ले पे सारी इन्फॉर्मेशन, 49.4 वोल्ट दिखा रहा है अभी ये, 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखा रहा है। थ्रोटल को फुल पे कर देंगे तो ये 45 तक मैक्सिमम स्पीड इसकी दिखाता है। ये किलोमीटर भी दिखा रहा है, 0.3 किलोमीटर जा चुकी है ये, और साथ में ये नीचे बैटरी का बैकअप भी दिखा रहा है कि बैटरी कितनी चार्ज है अभी आपकी। इस प्रकार ये देखिए, ये मोटर अभी रनिंग में है और बैटरीज़ को इस कवर के नीचे यहाँ पे बैटरीज इंस्टॉल की गई हैं। थ्रोटल को घुमाने से ये एक्टिवेट होती है। इसमें एलईडी लाइट लगाई गई है आगे, ये इसकी एलईडी लाइट है। ये डिस्प्ले में आप देख पा रहे हैं और उसके अलावा फुली फंक्शनल इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं पूरे इसके, और उसके साथ साथ हॉर्न नॉर्मल, ये सारे फीचर इसमें अवेलेबल हैं। और ये इसका डिस्प्ले पैनल है जिस पे बैटरी बैकअप भी हमें आती है, और जैसे ही हम इसको चलाना शुरू करते हैं थोड़ी देर के बाद किलोमीटर दिखाने लग जाता है। इसको छोड़ देते हैं तो ये फिर दोबारा से बैटरी का बैकअप पैनल पे आना शुरू हो जाता है। और इसमें बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि जो डिग्गी में थोड़ा बहुत स्पेस होता है उसमें दिक्कत ना हो। बैटरीज को नीचे इंस्टॉल किया गया है, यहाँ पे यूज़र को पूरा स्पेस अवेलेबल है। ये इसका 48 वोल्ट का चार्जर है, यहाँ पावर स्विच है, काफ़ी स्पेस सामान रखने के लिए अवेलेबल है। बैटरीज इसमें लिथियम आयन फॉस्फेट लगाई गई हैं, उसकी लाइफ 8 साल तक मानी जाती है। 3000 बार बैटरीज को चार्ज किया जा सकता है। ये एक ओल्ड मॉडल स्कूटी थी जिसको स्टूडेंट्स और स्टाफ ने तकरीबन 1-1.5 महीने की मेहनत के बाद तैयार किया है, जो आप देख पा रहे हैं पूरी फंक्शनल है। एक बार चार्ज होने के बाद 50 से 60 किलोमीटर की चल पाती है। इसमें लिथियम आयरन फॉस्फेट 18 एम्पियर का बैटरी बैंक बना के लगाया गया है, जिससे कि ये 50 से 60 किलोमीटर एक बार चार्ज होने पर चल रही है। आईटीए प्रैक्टिकल चैनल देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आगे हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि इसमें किस प्रकार हमने बैटरीज कहाँ रखी हैं और वो सारा। अभी मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया है, बताया है इसके बारे में कि किस प्रकार काम करती है ये। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा आईडी प्रैक्टिकल चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम नया जो भी वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके। अप्रोक्सीमेट 50 किलोमीटर तक की एवरेज देती है एक स्कूटी। तो ये जो स्कूटी है हमारी इलेक्ट्रिक, ये हमें 12 से 13 पैसे किलोमीटर पड़ती है। अगर हम इस स्कूटी को सोलर पैनल से चार्ज करें, 48 वोल्ट का सोलर पैनल लगाकर अलग अलग 24 वोल्ट के दो या 12 वोल्ट के चार या 48 वोल्ट का एक, तो ये जो हमें बिल्कुल फ्री में पड़ेगी, क्योंकि सेल जो हैं ये नई टाइप के सेल हैं जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें बैटरी बदलने का झंझट 5 से 7 साल तक नहीं होगा अगर आप इसको रोज़ भी चलाएं, क्योंकि बैटरी साइकिल 3000 साइकिल्स कहे जाते हैं। और ये जो बैटरीज़ हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज़ हैं, इसकी लाइफ जो है
तकरीबन 5 साल मानी जाती है, 3000 बार चार्ज हो सकते हैं इसे लिए। तो इस प्रकार ये काफ़ी सस्ती पड़ती है। अगर आप इसको सोलर पैनल से चार्ज करें तो आपको एक तरह से ये फ्री पड़ेगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप हमारा ITA प्रैक्टिकल चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस इंफॉर्मेशन को देख पाएँ। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।